आज मैं आप सबको साउथ इंडियन इडली बनाना सिखाने जा रही हूँ, जो कि मैंने साउथ इंडिया में आके सीखी है। इसका रेशियो आपको बताती हूँ, राइस और दाल का कितना होना चाहिए। 3 कप राइस एंड यहाँ ना साबुत उड़द की दाल मिलती है वाइट कलर में, मैंने ये दाल ली है साबुत उड़द की, जो कि इडली बनाने के काम आती है। और इसका रेशियो होता है 1 कप साबुत उड़द एंड 3 कप राइस, ये रेशियो होता है इडली बनाने का मिक्सर। ये मेथी है, ये मेथी दाने को दाल को भिगोते समय ना उसके अंदर थोड़ा से मेथी दाने भी साथ में भिगोने हैं, इतना मेथी दाना लेके दाल के साथ भिगोना है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे भिगोते हैं इनको। ये देखिए मैंने मेथी दाना और दाल साथ में भिगो रखे हैं, और देखिए दाल कितनी साफ पानी के अंदर से नज़र आ रही है। इसी ढंग से आपको चावल भी धोने हैं, कम से कम 5 से 6 बार धोइए ताकि चावल साफ पानी के अंदर से नज़र आए, इससे आपकी इडली जो है सफ़ेद बनेगी। ये देखिए मैंने दोनों चीज़ भिगो के रख दी है, ये रात भर मैं भीगे रहने दूंगी, सुबह इनको पीसूंगी मैं मिक्सी के अंदर। ये देखिए अच्छी तरह चावल और दाल मेथी मेरा सब कुछ भीग गया है, अभी मैं इसको छान लूंगी अलग से, पानी अलग कर दूंगी। दाल के पानी को हम फेंकेंगे नहीं, क्योंकि उसी पानी का हम इस्तेमाल करेंगे दाल को पीसने में और चावल को पीसने में। चावल का पानी हम फेंक देंगे पर दाल का पानी हम नहीं फेंकेंगे, उसको हम अलग से रख लेंगे। देखिए ये देखिए मैं दाल पीसने के लिए उसी पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि अच्छे से दाल पीस जाए। ये देखिए मेरी दाल पिस चुकी है अच्छी तरह, आप टच करके देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट हो गई है पीस के। अब इसी तरह हम अपने चावल को भी पीस लेंगे। ये मैंने अभी मिक्सी में चावल डाल दिए हैं और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के चावलों को पीसेंगे अच्छी तरह। ये चावल मेरे पिस चुके हैं, अब हम पिसी हुई दाल को भी चावलों के साथ मिक्स कर देंगे और उसे अच्छी तरह हिलाएंगे ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए, और उसको 6 से 8 घंटे के लिए फर्मेंटेशन के लिए रख देंगे। और ध्यान रखिए इसमें हम नमक नहीं डालेंगे, क्योंकि नमक जो होता है वो फर्मेंटेशन नहीं होने देता है। जब हम इडली बनाने लगेंगे उसी समय हम उसके अंदर नमक डालेंगे। देखिए मैंने इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके रख दिया है, आप मेरा गैप भी देख सकते हैं, आपको मिक्सर बनाते समय इतना गैप ऊपर छोड़ देना है। ये देखिए फर्मेंटेशन के बाद कितना बढ़िया से एयर पॉकेट्स बन गए, ये होना बहुत ज़रूरी होता है अगर आपकी अपनी इडली को मुलायम आपने बनाना है। ये देखिए एयर पॉकेट्स आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसके अंदर सॉल्ट डालेंगे इडली बनाने से पहले, 1 टेबल स्पून ऑयल। अब हम इडली के बर्तन में ऑयल लगा रहे हैं इडली का मिक्सर डालने से पहले। ये देखिए ऐसे सब में ऑयलिंग लगा के देन वी विल पुट अ मिक्सर ऑन दैट, सी दैट अच्छे से मिक्स कर लिया, हिला लिया अच्छी तरह। अब उसको आप उसका रेशियो देख सकते हैं, इतना होना चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना ज़्यादा पतला। अब हम मिक्सर को इडली के बर्तन में ऐसे डालेंगे। जब तक हम इडली का मिक्सर फिल कर रहे हैं तब तक हम इडली कुकर के अंदर 1 गिलास पानी उबालने के लिए छोड़ देंगे। और इस बात का ध्यान रखिए, ये देखिए हम ये जो 3 डॉट्स होते हैं ना इडली के बर्तन में, वो हमेशा आपको ऐसे रखना है, नीचे इडली है तो उसके ऊपर 3 डॉट्स आना चाहिए, सो दैट जो एयर है ना उसको वेपर जो होता है वो आराम से इडली को कुक कर सके। हम ऐसे नहीं करना चाहिए कि डॉट के ऊपर डॉट, जहाँ डॉट है उसके ऊपर इडली है, आप देख सकते हैं। अब ये देखो आप रख रहे हैं तो इडली के ऊपर इडली नहीं, इडली के ऊपर डॉट आ रहा है, ये देखिए। तो इस हिसाब से हमें अपने स्टैंड को लगाना है, इडली के स्टैंड को, ताकि वो अच्छे से सारी इडली स्टीम हो सके।
इडली मेरी बन गई है, उसको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे फैला के रख देंगे ताकि वो ठंडी हो जाए। उसके बाद हम उसे नाइफ से निकालेंगे ताकि इजीली वो बाहर निकल सके। गरम गरम नहीं निकालनी है, नहीं तो इडली टूट जाती है। देखिए अभी थोड़ी देर हमने ऐसे उसको रख दिया, अब उसे हम नाइफ से निकालेंगे एक इडली को। ये देखिए मेरी इडलियाँ बन चुकी हैं, आप देख सकते हैं कितनी सफ़ेद और सॉफ्ट बनी है। अभी आप इडली इंजॉय करिए, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी नारियल की चटनी कैसे बनाई जाती है, जो कि साउथ इंडिया में बनाते हैं लोग इडली के साथ। बाय बाय।